हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का है दोपहर के बज रहे हैं 11:30। मेरा सारा काम निबट चुका है, तो थोड़ी देर में वीडियो बनाने के बाद मुझे जाना है स्कूल छोटे वाले बेटे को लेने के लिए। वो छोटा है इसलिए मुझे उसको लाना पड़ता है। तो मैं हो जाती हूँ तैयार और हम चलते हैं स्कूल की तरफ। तो मैंने रिक्शा को फ़ोन किया था, तो रिक्शा वाला रिक्शा लेके आ गया है। ये बाहर खड़ी है मेरी रिक्शा, तो हम चलते हैं। हमारे बच्चों का स्कूल ऑन रोड है, तो हमें लाना पड़ता है उनको, क्योंकि वो ज़्यादा ही छोटा है इसीलिए। तो हम पहुंचने वाले हैं स्कूल। स्कूल में वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्कूल में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो मैं उसको लेकर आती हूँ। तो मैं इसको लेकर आई स्कूल से, मैंने इसको कहा हाय बोल, तो इसका मूड पता नहीं क्यों ख़राब था, इसने हाय नहीं बोला। तो इसके और भी फ्रेंड्स आने वाले थे, ये इसका स्कूल है, इसके और भी दोस्त आने वाले थे। कहने को तो उसके सीनियर हैं ये सब, इसको गुस्सा आ रहा था तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। कहने को तो ये सब इसके सीनियर हैं, मगर ये रिक्शा में इसके फ्रेंड हैं, तो ये सब लोग हाय बोल रहे थे। खैर, ये इतने खुश हो रहे थे मोबाइल में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसी बात करते करते हम पहुँच गए अपने घर। तो जैसे ही घर पहुँचे, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बच्चों को घर पहुँचने के बाद ऐसा लगता है जेल से छूट गए। तो लड्डू आत्मनिर्भर बहुत है, घर पर आके अपना खुद ही अपने कपड़े वगैरह से चेंज करता है। तो ये इसकी अम्मा बोल रही है आज तूने आके नमस्ते नहीं की। तो ये अम्मा को नमस्ते कर रहा है, अपनी आवाज़ नहीं आने की, बहुत धीरे से बोला इसलिए। और उसके बाद कपड़े उपड़े चेंज करने के बाद में तो इसको अंदर आ गया। फिर इसने यहाँ पर अपनी शर्ट और ये अपना पैंट उतारी, और उसके बाद इसको स्कूल से आने के बाद तुरंत मोबाइल लेने के लिए रोने लगा कि मम्मी मोबाइल दे दो। तो मैंने स्कूल से आने के बाद अपना दोपहर का काम किया। तो ये बाय बोल रहा है मोबाइल में, तो इसकी आगे छोटी बहन, देखना ये क्या बोल रही है। मैंने इसकी आवाज़ को बंद नहीं किया, ये बोल रही है एप्पल खा लो ऐसे करके। तो ये बहुत परेशान रहती है क्योंकि सारे बच्चे चले जाते हैं स्कूल, ये रहती है अकेली, ये सबसे छोटी है इसलिए अकेली रह जाती है। तो अब ये लड्डू आया है स्कूल से, तो इसके पास खेलने के लिए आ गई और देख रही है इसको कि क्या करूँ। ये कूलर से लग कर खड़ी है, तो कूलर पीछे को खिसक गया, तो ये डर गई, तो पता नहीं क्या हो गया, बहुत तेज़ से डरी। तो फिर मैंने इसे कहा कुछ नहीं हुआ, कूलर खिसक गया। कह रही अच्छा। तो फिर ये खेलती रही, बातें करती रही। तो मैंने इसकी सारी बातें रिकॉर्ड की है। ये बहुत छोटी सी, बहुत क्यूट है। तो ये लड्डू से बात करी है, लड्डू और इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं, और लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं इनके। देखिए इससे बातें कर रही है, मैंने इसकी आवाज़ बंद नहीं की, दोनों बहन भैया खेल रहे हैं। तो अब हम बनाते हैं दोपहर का लंच। तो आज मैंने बनाना था पनीर की सब्ज़ी। तो ये सारी चीज़ें, टमाटर, काजू, लहसुन, मिर्च, प्याज और पनीर। तो हमको इसको ना तेल में हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद इसको पीस लेंगे। तो मैंने जल्दी से कढ़ाई रखी और उसमें तेल डालने के बाद इन सारी चीज़ों को डाल दिया, सारी चीज़ों को डाल के हल्का सा रोस्ट कर लिया। पूरी तरह से नहीं पकाया, बस हल्का सा इसको ब्राउन सा कर लिया, जैसे कि टमाटर का छिलका भी उतर जाए। और उसके बाद मैंने इसे मिक्सर जार में पीस लिया। तो वॉइस ओवर में इधर उधर की आवाज़ें ज़रूर आ रही होंगी। तो ये पीस गया, और उसके बाद हमने तेल कढ़ाई में तेल, जीरा घेरने के बाद, हींग वगैरह घेरने के बाद इसकी ग्रेवी घेर दी और इसको अच्छे तरीके से पका लिया। फिर मैंने थोड़ा सा जीरा तवे पर भून कर पीस लिया, और ये इसमें आ गया उबाल। और इसमें हम डाल देंगे पनीर के टुकड़े, और उसके बाद डाल देंगे करी पत्ता और कसूरी मेथी, और उसके बाद ये ढक देंगे। और मैंने इसमें ताजी क्रीम और गिरी है दूध की मलाई, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ गया। अब जिसके लिए बना है वही आकर बताएगा इसका टेस्ट कैसा है। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, रिप्लाई ज़रूर करना, मैसेज करके बताना यार किस किस को पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। खास इसी के लिए मैंने बनाया था, और इससे पूछ रही हूँ कि कैसा बना। तो बोल रहा है मम्मी अच्छा बना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये मुझे बता रहा है कैसी बनी है सब्ज़ी, और कर रहा है बाय।